हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको अपनी टेरेस पे मैंने कौन कौन सी सब्जियों के सीड ग्रो किए हैं उनको दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए मेरे टोमेटोज, ये छोटे छोटे बेस्ट मटेरियल में लगे हुए हैं, ये देखिए। और कैसे देखिए, गुच्छों में पूरा मेरा टोमेटो, छोटे छोटे प्लांट हैं, ये देखिए फूल और फलों से भरे हुए हैं। ये देखिए, ये चेरी टोमेटोज हैं और इनकी सीडलिंग ना मैंने करी थी और ना मैं कहीं सिलाई थी। जो मैं वेजिटेबल पील्स का सबका वो फर्टिलाइजर बनाती हूँ लिक्विड, वही डालती हूँ, तो जो टमाटर के बीज रहते हैं वो अपने आप उगाते हैं, तो वही मैं बीच बीच में लगाती रहती हूँ। पहले भी मैंने शेयर किया है, मेरे बहुत टमाटर निकले और वो प्लांट मेरे चले गए। बहुत पहले ही टमाटर मेरे यहाँ होने लगे थे, तो वो ख़त्म हो गए। तो जो जैसे जैसे मुझे नए प्लांट मिलते गए, तो मैं इनको इन्हीं बेस्ट मटेरियल में लगाती रही, तो जिसका परिणाम आपके सामने है। फ्रेंड, और भी आगे आपको दिखा, ये देखिए, ये मेरी दो तुरई की मैंने सीड लगाए थे। देखिए, दो तुरई के सीड के प्लांट हैं, देखिए कितना बढ़िया, कितना हेल्दी ग्रो हुए हैं। और एक ये है लोबिया का, जिसे बीन्स, लॉन्ग बीन्स भी बोलते हैं इंग्लिश में, हम लोगों के यहाँ बोरा बोलते हैं, बोरो कहीं बोला जाता है, वो उसका सीड मैंने डाला था। तो ये देखिए कितना हेल्दी और बड़ा हो गया है, जबकि इनको मैंने साथ में ही डाला था। और ये देखिए, ये भी निकल रहा है, देखिए नन्हा सा। इसमें मेरे ये थर्माकोल का जो बॉक्स है, जिसमें मैंने आपसे अंगूर की बेल शेयर की थी, अंगूर की बेल तो मेरी वहाँ तक पहुँच गई है। और इसमें जो किनारे जगह बची है, इसी में मैंने इनको ग्रो किया है। ये देखिए, ये बकेट है जिसमें मैंने मेहंदी का प्लांट आपसे शेयर किया था, और इसमें मैंने मेहंदी को ट्रांसप्लांट किया था, रिपोर्ट किया था। उसी में मैंने एक कद्दू की, ये देखिए, सीड डाल दिया था, तो देखिए कितना हेल्दी ग्रो हुआ है मेरा कद्दू का प्लांट। और इसी में ये देखिए कैप्सिकम के सीड मैंने, जो घर में सब्जी के लिए आती हैं, उसको मैंने डाल दिया था, तो देखिए कितने अच्छे ग्रो हुए हैं और बिल्कुल 100% रिजल्ट हैं। अब ये जब मेरे ये प्लांट जो हैं लगभग 4-5 इंच के हो जाएंगे, तब मैं इनको ट्रांसप्लांट कर दूंगी। वैसे तो शिमला मिर्च के लिए 20 से 30 का टेम्परेचर इसको सूट करता है, बल्कि जब ज़्यादा जाड़ा होता है तो ये नहीं इतने अच्छे होते हैं। लेकिन जब जैसे जैसे अब यहाँ तो लखनऊ में 40-42 तक टेम्परेचर जाता है, तो इनको मैं ऐसी जगह प्लेस करूँगी जहाँ की इनको थोड़ी ठंडी मिलती रहे, 30 तक मेंटेन रहे इनका टेम्परेचर। तो देखती हूँ आगे, अभी तो मैंने इस सीजन का कभी लगाया नहीं, पहली बार मैंने ग्रो किया है, तो मैं जो है इनको फिर देखूँगी कि इनको मैं कितना इनके फेवर में क्लाइमेट दे पाती हूँ और ये कितना मुझे अच्छा परिणाम दे पाते हैं। उसके बाद ये देखिए, ये मैंने पालक ग्रो किया है। ये मेरा एक सिंक है पुराना स्टील का, इसमें मैं एक बार मैंने इसमें ग्रो किया और 3-4 हार्वेस्टिंग लेने के बाद फिर उसमें फ्लावरिंग होने लगी थी, तो उसको मैंने ख़त्म करके इसको नए सिरे से लगाया है। देखिए कितना अच्छा हो रहा है ये ग्रोथ। अब ये हार्वेस्टिंग के लिए 1 हफ्ते में तैयार हो जाएगी। ये देखिए, इसमें मैंने फ्रेंच बीन्स का सीड था तो मैंने लगा दिया था, तो इसके 2 प्लांट उगे हैं और इसी में टमाटर भी हैं। और इसमें देखिए, इसको मैंने बनाया था बड़ा सा, इसमें कितने बथुआ उग गए हैं ये देखिए। अभी ये भी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हैं। और इसमें देखिए किनारे मैंने एक कद्दू का इसमें भी लगाया है, देखिए कितना अच्छा रिजल्ट है। जो घर में चटनी के लिए आता है, उसी की पत्ती निकाल लिया और उसकी जो थोड़ा मजबूत स्टेम वाले थे, उन्हीं को मैंने ये गमले में छोटे और ये तसले में मैंने लगा दिया। ये देखिए,
अभी एक हफ्ता हुआ लगाए, देखिए सब ग्रोथ पे हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।